न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई आरबीएस के टीम के चिकित्सकों द्वारा कामगारों श्रमिकों एवं ग्रामीणों की स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। जिलाधिकारी ने कहा कोरोना संक्रमण का कोई नहीं है इलाज, बचाव ही है एकमात्र उपाय। जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले वन महोत्सव में जिले में 36,52,000 पौधे लगाने का है लक्ष्य। जिलाधिकारी ने कहा मुख्यमंत्री के पहल पर लगाए जाएंगे अधिक से अधिक सहजन के पौधे, जिससे मिल सके कुपोषण से मुक्ति। एसएसपी की अध्यक्षता में पॉस्को न्यायाधीश नवल किशोर सिंह व विशेष लोक अभियोजक विजेंद्र सिंह के साथ पॉस्को विवेचकों के साथ की गई बैठक। पॉस्को मुकदमे के विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महानिदेशक बेसिक शिक्षा विजय किरण आनंद ने मिशन प्रेरणा की गोष्ठी कर बेसिक शिक्षा विभाग के क्रियाकलापों की समीक्षा। कहा सभी शिक्षक डाउनलोड करें दीक्षा ऐप, छात्रों को दे ऑनलाइन शिक्षा। कैंट थाने की पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पिछले 5 साल से फरार चल रहे वांछित हत्यारोपी व 15,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने किया खुलासा। जगह थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त 10,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा ने किया खुलासा। युवाओं से की अपील, कहा सोशल मीडिया को देखकर अपराध के पीछे ना भागे युवा। जिलाधिकारी और एसएसपी ने किया गीड़ा स्थित डेंटल कॉलेज और भलोटिया मार्केट का निरीक्षण। दुकान के बाहर गैलरी में सामान रखने वाले दुकानदारों पर की कार्रवाई, 3 दुकानों को कराया सील। गगहा थाना क्षेत्र में आम तोड़ने के विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई मारपीट। एसपी साउथ ने कहा मुकदमा पंजीकृत कर की जा रही है विधिक कार्रवाई। शासन के गाइडलाइन के अनुसार होटल व रेस्टोरेंटों में बैठकर नहीं करा सकते हैं भोजन या नाश्ता। एडीएम सिटी ने कहा सिर्फ पैकिंग और होम डिलीवरी की है व्यवस्था। गोरखपुर जनपद में 2 नए पाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज। अब मरीजों की संख्या हुई 150, 68 हो चुके हैं डिस्चार्ज, 74 का चल रहा है इलाज, अब तक 8 की हो चुकी है मौत। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती के अवसर पर गोरखपुर मंडलीय कारागार में स्थापित उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कर और जेल के कोठरी नंबर 7 में पुष्पार्चन और आरती कर बिस्मिल को शिद्दत से किया गया नमन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर 300 श्रमिक ट्रेनों से 5,00,000 श्रमिक पहुंचे थे गोरखपुर स्टेशन। एडीएम सिटी ने कहा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए श्रमिकों को परिवहन निगम की बसों से पहुंचाया गया उनके घर। बिना मास्क के घूम रहे लोगों का महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह द्वारा किया गया चालान। दुकानों पर खरीदारी कर रहे लोगों सहित दुकानदारों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। बारिश के मौसम में महानगर में रहने वाले जल जमाव से निपटने को तैयार है जिला प्रशासन। एडीएम सिटी ने कहा युद्ध स्तर पर चल रहा है नालों की सफाई, बरसात से पहले पूरा करा लिया जाएगा सफाई का कार्य। और मातृछाया में रहने वाले 2 मानसिक विक्षिप्त महिलाओं को उनके परिजनों को किया गया सुपुर्द। परिजनों ने संस्था को जताया आभार।